गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास। और आज की ऑनलाइन क्लास में हम छोटी ई की मात्रा को रिवाइज करेंगे कि उन्हें व्यंजन पे कैसे लगाते हैं और वो कैसे लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं हम लोग ई की छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है, पहले एक खड़ी पाई फिर उसे ऊपर। ओके, तो क में छोटी ई की मात्रा की, ख में छोटी ई की मात्रा खी, ग में छोटी ई की मात्रा गी, घ में छोटी की मात्रा घी, अंग माने कुछ नहीं, च में छोटी की मात्रा ची, छ में छोटी की मात्रा छी, ज में छोटी की मात्रा जी, छ में छोटी की मात्रा झी, ये माने कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करते जाएंगे, ट में छोटी की मात्रा टी, ठ में छोटी ई की मात्रा ठी, ढ में छोटी ई की मात्रा ढी, ढ में छोटी ई की मात्रा ढी, और माने कुछ नहीं। देख रहे हैं ना आप, सबकी मात्राएं ऐसी लगी हैं और फिर उसके बाद व्यंजन जोड़ दिया गया है। ओके, ऐसे करके फिर प्लस क यहाँ बन जाएगा की। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट त में छोटी की मात्रा ती, थ में छोटी की मात्रा थी, द में छोटी की मात्रा दी, ध में छोटी की मात्रा थी, न में छोटी की मात्रा नी, फिर प में छोटी की मात्रा पी, फ में छोटी की मात्रा फी, ब में छोटी की मात्रा बी, भ में छोटी की मात्रा भी, म में छोटी की मात्रा मी, य में छोटी की मात्रा ई, र में छोटी की मात्रा री, ल में छोटी की मात्रा ली, और व में छोटी की मात्रा बी, श में छोटी की मात्रा सी, श में छोटी की मात्रा सी, और स में छोटी की मात्रा सी, ह में छोटी की मात्रा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट है छ, छ में छोटी की मात्रा छी, त्र में छोटी की मात्रा त्री, ग में छोटी की मात्रा गी। ठीक है, गी। तो ये सारे मात्राएं हम लोग के व्यंजन में लग गए हैं स्टूडेंट्स। छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें सारे व्यंजन में मात्रा लगाना है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।